इस वांद्री लेक का सबसे मेन लोकेशन यही है जो कि सॉरी गाइस, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कुछ कामों की वजह से अटक गया था, इसलिए मैं अपने चैनल पे कोई व्लॉग नहीं कर पा रहा था, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अभी मैं फिर से आ चुका हूँ और अभी हम लोग बहुत अच्छे प्लेस पे जा रहे हैं, जो कि मेरे साथ में मेरी पूरी ग्रुप है, देख सकते हो, नावेद, नीलेश, सागर और दीपक है। और अभी कुछ फ्रेंड्स मेरे आगे हैं जो कि वेट कर रहे हैं मेरा, तो हम लोग फटाफट चलते। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं वांद्री लेक जो कि है पालघर में, और बहुत अच्छा प्लेस है। मैंने सिर्फ देखा है गूगल पे, बट मुझे इतना आइडिया नहीं, बट लेकिन है बहुत अच्छा प्लेस। तो चलिए चलते हैं फिर फटाफट, और मैं नहीं चाहता कि लेट करूँ क्योंकि मेरे दोस्तों का बहुत कॉल आ चुका है। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं। अभी हम लोग वैसे ही पहुंच गए जो कि इधर मेरे पीछे बजरंग ढाबा है, और हमारे साथ प्रदीप आ चुका है, देख सकते हो। तो अभी हम लोग इधर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फटाफट डायरेक्ट जाएंगे हम लोग वांद्री लेक। अरे अभी हमारा 5 मिनट खत्म हो चुका है ब्रेक लेके, तो अभी हम लोग डायरेक्ट वांद्री लेक जा रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट चलते, ऑलरेडी हमको लेट हो चुका है, तो अभी हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे, अभी डायरेक्ट वांद्री लेक। पहुंचने वाले, बट देख सकते हैं वेदर कंडीशन कैसा हो गया, बारिश होने वाली। तो अभी हम लोग सोचे कि पूरा फोन विन जो भी है उसको एक थैली में रख के बैग में रख दे ताकि ना भीगे। तो अभी हम लोग इसको बैग में रखते हैं, डायरेक्ट वांद्री लेक में मैं आपको मिलूंगा। तो चलिए, और व्यू तो यार बहुत मस्त है, देख सकते हो पूरा मेरे पीछे, बहुत बढ़िया लुक है, बहुत मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से निकले और कहां पर एकदम आ गए। बहुत ही जबरदस्त, ऑसम व्यू। और ये देख सकते हो बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा है। साकित तेरे को कैसा लग रहा है? जोर से बोल रहा है, घर पे जल्दी जा रहे थे, अभी भी शर्मा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। नीलेश कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, लाइक अभी वेदर एकदम, अभी जाके वेदर बना है। अभी हम लोग पहुंचने वाले थे, बट इतनी तेज बारिश होने लगी ना कि हम लोग अभी देख सकते हो इधर पे रुके, हमारे पूरे दोस्त लोग देख सकते हो, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हो आप लोग पीछे मेरे। तो अभी हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बारिश रुक जाए, उसके बाद चलते, क्योंकि किसी ने रेनकोट नहीं लिखा, सिर्फ 2 लोग लिखा है, समर्थ और प्रदीप, और कोई नहीं लिखा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ज्यादा दिए। वांद्री लेक में पहुंच गए गाइस, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, पूरा हर जगह ग्रीनरी है, देख सकते हो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त लोग पीछे हैं उधर पे, और सीरियसली बहुत अच्छा प्लेस दिख रहा है, ये पूरा हरा भरा है। और लॉकडाउन इतने दिन से था और हम लोग ने घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हुए, बट इस जगह पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और अभी हम लोग लेक पे जा रहे हैं जो कि थोड़ा ऊपर है, और गाइस बस ये है कि इधर का रोड थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप है, जो भी आ रहा है तो गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए, क्योंकि समझ सकते हो ये रोड बहुत, देख सकते हो आप कैसा रोड है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए सेफ चलाना बस इधर पे। और बहुत अच्छा है ये प्लेस, देख सकते हो पूरा।
इतने टाइम के बाद, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया हम लोग को ही लेक को ढूंढने में। एक्चुअली हम लोग बहुत ऊपर चले गए थे, बट उन्होंने दो तीन लोग से पूछे तो उन लोग ने कंफर्म हम लोग को बताया नहीं, बट एक अंकल थे जो रिक्शा वाला था उसने प्रॉपर हम लोग को लोकेशन बताया कि इधर पे जाओ, ये लेक है पूरा। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लेक दिख रहा है और पीछे माउंटेन भी, और उधर पे एक अंकल बोट चला रहे हो जो कि बहुत अच्छा लेक है यार, और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है इधर पे, और मेरे दोस्त लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं देख सकते हो इधर पे। और अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा है लेक, और टाइम लैप्स भी आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा प्लेस मेरे को दिखा, मतलब जितने दिन घर पे मैं बैठा था लॉकडाउन में यार, इधर पे आने के बाद पूरा माइंड फ्री हो गया और बहुत अच्छा और बहुत शांत प्लेस है ये। और चलिए फिर एंजॉय करते हैं हम। वांद्री लेक का सबसे मेन लोकेशन यही है जो कि डैम है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। हम लोग घर पे जा रहे थे तो हम लोग को रास्ते में मिला, बहुत अच्छा है। और गाइस मैं बता नहीं सकता कि कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, बट लेकिन यार इधर आके देखोगे ना आप तो बहुत सुकून है और बहुत अच्छा। और ये जो देख सकते हो नेचर ब्यूटी देख सकते हो यार, बहुत अच्छा लगा। और ये पूरा माउंटेन है और ये इधर से पूरा स्ट्रेट रोड है, देख सकते हो पूरा स्ट्रेट रोड गया है और ये लाइटिंग लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। गाइस एक बात बता देता हूँ, ये जो डैम है इधर पे अलाउड नहीं है, हम लोग ने गलती से चले गए थे बट उधर के जो वॉचमैन है सिक्योरिटी उन्होंने बोला कि इधर पे अलाउड नहीं है, तो प्लीज गाइस कोई आना नहीं है प्लेस पे, देख सकते हो पूरा गेट बंद है। तो हम लोग रिटर्न आ गए, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया बट अभी हम लोग जा रहे, बहुत ज्यादा भूख लगा है। लेकिन ये बहुत अच्छा डैम था तो जितना देखे उतना, बस ये है कि रूल मत तोड़ना गाइस, कोई जाके जो है सेंसिटिव एरिया होता है तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशंस वो लोग। तो हम लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ बट अभी हम लोग पता नहीं था ना गाइस, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा भूख लगा। और आप लोग भी यहाँ पे आओ तो फोटो मत लेना, अलाउड नहीं है इधर पे फोटो, इधर पे एंट्री ही नहीं है। और नॉर्मली आप लेक को देख सकते हो उधर से जाके। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, हमको बहुत ज्यादा भूख लगी है। और ये अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, एक्चुअली 5 बज गए हैं तो अभी हम लोग को जाने में भी बहुत ज्यादा लेट होगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि सबसे ज्यादा हमें यहाँ वांद्री लेक जाने में हुआ है 4 घंटे का, चार घंटे एक्चुअली कैसा परफेक्ट लोकेशन, हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ पे है। और बहुत रुके भी, कितना रुके अपने, बहुत आगे पीछे दोस्त हो जा रहे थे इसकी वजह से, बट लेकिन बहुत मजा आया इधर पे आके। और अभी देख सकते विलेज वाली फीलिंग आ रही है, मैंने कुछ अपने बाल को अटकाने के लिए हेयर बैंड यूज किया था, कर सकते हैं ये सब जगहों पे। फिर अभी हम लोग जा रहे बाहर निकल रहे, तो अभी हम लोग बजरंग ढाबा में जो कि वेज है, ये रेस्टोरेंट पूरा वेज है जो कि प्रदीप ने सेलेक्ट किया है। प्रदीप इधर ही होता है, वो इधर गया, वो अभी नीचे गया, तो हम लोग बहुत ज्यादा भूख लगा तो अभी हम लोग खाते हैं इधर से कुछ ऑर्डर करते वेज में, जो कि अभी प्रदीप आएगा वही बताएगा क्योंकि उसको ही पता है, वैसे ही में रहता है ना वो, देखते क्या आता है। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है, बहुत टाइम बाद आया और ये लाइट कट गई है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं खाता फटाफट, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। तो गाइस अभी हम लोग ने खाना खा लिया, सीरियसली बहुत अच्छा पनीर था और चपाती भी बहुत अच्छी थी, बस ये था कि सर्व करना बहुत लेट कर रहे थे वो लोग, तो हम लोग ने कुछ ऑर्डर कैंसिल किया। और लास्ट में अभी हम लोग जा रहे हैं छाछ पीने के बाद अभी घर पे, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुका, मैं नहीं चाहता कि मुझे लेट हो क्योंकि पता ही अभी आपको घोड़बंदर और बहुत ज्यादा इधर पे ट्रैफिक होता, तो फिर अभी चलते फिर फटाफट घर पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना है, आई होप ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और गाइस प्लेस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है प्लेस है। और गाइस बस यही था कि आते टाइम थोड़ा मूड खराब हो गया था, जिस तरीके से घोड़बंदर में ट्रैफिक था उसके वजह से हम लोग का दिमाग खराब हो गया, ऑलमोस्ट मुझे 9 बज गए घर पे आते आते। और कोई नहीं, होते रहते ये सब, तो तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नए ब्लॉग में मिलते हैं। अब मैं हाथ चोर।